आगे बढ़ते हैं। भारत और यूक्रेन में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। जो पहला समझौता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। दूसरा जो समझौता हुआ है वो सांस्कृति सहयोग बढ़ाने पर जोर है। तीसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। अब इसमें जो तीसरा है वो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यूक्रेन के अंदर भारतीय मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और कहा जाता है कि वहां की एजुकेशन और वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है, वहां से सीखने की जरूरत है। तो भारत के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, उसको और ज्यादा बेहतर करने में यूक्रेन से सहायता मिल सकती है। दूसरा सांस्कृतिक सहयोग, क्योंकि रूस से जिस तरीके के मैत्री संबंध भारत के हैं उसमें यूक्रेन हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है, चाहे वो 370 का हटना हो, चाहे न्यूक्लियर टेस्टिंग हो, चाहे यूएन के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता की बात हो, यूक्रेन ने हमेशा विरोध किया। लेकिन दो देशों के बीच की जो विदेश नीति होती है वो इतिहास के पन्नों पर नहीं बल्कि वर्तमान के साथ भविष्य की रूपरेखा को तैयार करती है, और इसलिए हो सकता है कि भारत इस वक्त वैश्विक गुरु की उस भूमिका की तरफ है जहां बीत गया सो बात गई, आगे की सुध ले। और प्रधानमंत्री मोदी एक बेहतर संबंध यूक्रेन के साथ स्थापित करना चाहते हैं और उसमें जो बड़ी भूमिका होगी वो दरअसल सांस्कृतिक सहयोग की होगी। इसके अलावा भारत कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में दोनों में काफी तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि यूक्रेन अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और इस वक्त सबसे बड़े सप्लायर के तौर पर यूक्रेन है। और यूक्रेन के अंदर जो अस्थायी स्थिति बनी उसमें भारत एक अच्छे एक्सपोर्टर की भूमिका निभा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से विज्ञान का एक बड़ा रोल सेना के अंदर होता है, वेपन्स में होता है, उसमें क्या भारत यूक्रेन को कोई सहायता कर सकता है? इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि भारत वो रिस्क नहीं लेगा जहां वेपन यूक्रेन को सप्लाई कर रूस के साथ नाराजगी ली जाए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके की स्थिति में जो समझौते होते हैं वो समझौते वैश्विक दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं और अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। इस वक्त दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की तरफ देख रही है कि क्या वो वाकई में शांति दूत बनकर पहुंचे हैं। जो इससे पहले 1.5 महीने पहले वो पहुंचे रूस और अब पहुंचे यूक्रेन, क्या शांति स्थापित हो सकती है? एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। Museum in memory of the children. He thereafter went to the A.V. Fomin Botanical Gardens to pay homage to Mahatma Gandhi, whose statue is there. In fact, his last engagement is going on right now, which is that he's meeting Ukrainian students who are studying Hindi. Now, in terms of the official discussions, I should say that he held these with President Zelensky. This happens to be their fourth meeting. They had met initially in Glasgow in November of 2021, then in Hiroshima in May of 2023, and then most recently in Puglia in Italy in June of 2024. They've also had 7 teleconversations. In the discussion, a significant part of it was devoted to our bilateral relations. There was a discussion about trade, economic issues, defense, pharmaceuticals, agriculture, education. There were a whole lot of issues. You will see much of that reflected in the joint statement, which has been released already. Will be released very shortly. The leaders also, I must share with you, tasked the Intergovernmental Commission, of which Minister Kuleba and I are the co-chairs, to specifically focus on rebuilding our trade and economic relations, which had gone down in recent times. Look forward to having an early meeting of that body, definitely by the end of this year. While this is the first visit, I think you all appreciate that there is a very clear context in which the visit is taking place.
And obviously, much of the discussion was spent with regard to the war in Ukraine. So before I come to exactly what was discussed, I just want to give a little bit of background here, which is that there have been a number of public positions taken by India and by the Prime Minister on this subject.